आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। कैपिटल मैनेजमेंट या पूंजी प्रबंध, पूंजी प्रबंध मतलब में क्या क्या डिस्कस करना है। एक है ऋण लेने के अधिकार, बंधक प्रभार तथा ऋण पत्र आदि। ये हमको किसमें पढ़ना है, कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़ना है। कैपिटल मैनेजमेंट, बोरोइंग पावर्स, मॉर्टगेज चार्जेस एंड डिवेंचर्स। क्लियर है सभी को, आवाज आ रही है मेरी? यस यस मैम। तो सबसे पहले मुझे समझना है कि कैपिटल मैनेजमेंट या पूंजी प्रबंध क्या होता है। किसी को आइडिया है क्या होता है कैपिटल मैनेजमेंट या पूंजी प्रबंध? हमने क्या पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि कैपिटल क्या होता है, किसी भी बिजनेस के लिए कैपिटल क्या काम करता है। ब्लड का काम करता है, जैसे लाइफ के लिए ब्लड, वैसे ही कैपिटल किसी भी बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होता है, उसके ब्लड के जैसे होता है। तो पूंजी व्यवसाय जीवन का जीवन रक्त है। प्रत्येक कंपनी को न्यूनाधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी इस आवश्यकता को कंपनी दो प्रकार से पूरा कर सकती है। मैं हमने पहले भी की डिस्कस किया है कि या तो वो स्वयं की पूंजी या तो ऋण पूंजी। तो क्या बोल रहा है कि कैपिटल मैनेजमेंट इज एन अकाउंटिंग स्ट्रेटेजी दैट स्ट्राइव टू मेंटेन सफिशिएंट एंड इक्वल लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। दिस हेल्प्स अ कंपनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑब्लिगेशन व्हाइल आल्सो मेंटेनिंग सफिशिएंट कैश फ्लो एंड इज प्राइमरीली रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन। क्या होता है कि क्या तो कंपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कर सकती है, सबसे पहले अपनी स्वयं की पूंजी या तो फिर वो ऋण पूंजी यूज करेगी, है ना। क्या बोल रहा है, पूंजी की आवश्यकता कंपनी दो प्रकार से पूरा करती है, पहला स्वयं की पूंजी एवं द्वितीय ऋण पूंजी। स्वयं की पूंजी हेती कंपनी क्या करती है, अपने अंशों का निर्गमन करती है, इशू शेयर करती है, इसे अंश पूंजी या शेयर कैपिटल कहते हैं। केवल अंश पूंजी से कंपनी की पूंजी संबंधी आवश्यकताएं पूरी करना संभव नहीं होता है। क्या करना संभव नहीं होता है, केवल इसकी वजह से क्या नहीं कर सकते हम, अपनी पूरी जो भी फंड से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं कर सकते। इसलिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, ऋण का सहारा लेना पड़ता है। उसे क्या करनी होती है, बोरोइंग्स करनी होती है। ऋण पूंजी प्राप्ति हेतु कंपनी क्या करती है, ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, वन सेकेंड, क्या करती है कंपनी, ऋण पत्रों का सहारा लेती है, मतलब कि बोरोइंग्स करती है। क्या बोल रही है, ऋण पूंजी को प्राप्ति हेतु कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है और जनता से निक्षेप आमंत्रित करती है, साथ ही बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण प्राप्त किए जाते हैं। इन ऋण प्राप्तों की प्राप्ति के लिए कंपनी की संपत्ति को जमानत पर रखकर प्रभार चार्जेस भी उत्पन्न करने पड़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले मुझे वो चैप्टर में जो पढ़ना है वही बता रहा है कि कैपिटल मैनेजमेंट के लिए, पूंजी के प्रबंधन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। कैपिटल मैनेजमेंट वो क्या बोल रहा है, एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं सफिशियंट एंड इक्वल लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैं जब काम करूँ तो मेरी शॉर्ट टर्म जो क्या बोलना चाहिए रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए, मेरे कैश वर्किंग कैपिटल के लिए भी रहे, मेरे पास असेट लायबिलिटी सबको क्या करना है, प्रॉपर मेंटेन करना है। जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, ऑब्लिगेशन है, उन सबको मेंटेन करना है, वो क्या होता है कैपिटल मैनेजमेंट। उसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी। क्या बोल रहा है कि कंपनी के पास दो टाइप होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, या तो वो अपनी ऑन कैपिटल यूज करे या तो वो बोरो करे।
तो वो बोरो करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग पावर्स यूज करना पड़ेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। या साथ ही वो क्या कर सकता है, क्या बोल रहा है, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से भी, मतलब बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है। उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, जमानत रखना पड़ता है, जिस रखकर प्रभार चार्ज भी उत्पन्न करने पड़ते हैं। मतलब हमारा सेकंड टॉपिक क्या था, उसमें फिर बंधक करना पड़ेगा अपना को, जमानत भी रखना, मतलब वो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, मॉर्गेज रखना पड़ेगा, जिससे क्या उत्पन्न हो जाते हैं, चार्जेस। तो हम इसमें ये सब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कंपनी को मैनेज करने के लिए, अपने कैपिटल को, अपनी पूंजी को मैनेज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बोरिंग पावर्स यूज करने पड़ते हैं। तो वही दिखा रहा है कि कंपनी कैपिटल मैनेजमेंट में क्या क्या करना पड़ता है, सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं फंड से रिलेटेड, उन सबको पूरा करना पड़ता है। फंड से रिक्वायरमेंट रिलेटेड को रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कंपनी को क्या क्या करना पड़ता है, या तो ऑन कैपिटल यूज करेगा, बोरिंग करेगा, या मॉर्गेज करेगा, या प्रभार, या क्या बोल रहा है, डिवेंचर्स। तो उसी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसको क्या करना है, सिर्फ कैपिटल को मैनेज करना है। वो कोई भी क्या कर सकता है, स्ट्रेटजी फॉलो कर सकता है और अपनी फंड को मैनेज कर सकता है, अपनी जो भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है, कैश फ्लो से रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल से रिक्वायरमेंट, उन सबको क्या करना है, उसको मेंटेन करना है, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, कंपनी ऋण लेने के अधिकारों का, मीनिंग ऑफ बोरोइंग पावर्स ऑफ द कंपनी, या बोरोइंग पावर्स क्या होते हैं, टू बोरो इज टू रिसीव विद इन एन इम्प्लाइड और एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग द सेम। बोरोइंग नेसेसिटी इम्प्लाइज रीपेमेंट एट सम टाइम एंड अंडर सम सर्कमस्टेंसेस। क्या बोल रहा है, कंपनी के ऋण लेने के अधिकार संचालक गण द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं, जो उसके डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, जो कि अधिकृत मूल्य से अधिक ऋण नहीं ले सकते, जितना डिसाइडेड है। ऋण लेने का अधिकार एवं ऋण पत्र निर्गमन का अधिकार भारत में एवं भारत से बाहर भी एक संचालित सभा में संचालन गण द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। वो अपने बोरिंग पावर को इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी यूज किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर बोरिंग पावर्स किसी कंपनी को यूज करने हैं तो किसके अंडर, किसके जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, कंपनीज एक्ट 2013। ये कौन से सेक्शन में आता है, धारा 179(3) के सी और डी में आता है। अब 179 के 3 के सी व डी के अंतर्गत संचालकों को ऋण लेने के लिए एक यथा योग्य संचालित सभा में प्रस्ताव पास करना होगा। ऋण पत्र निर्गमन करने का अधिकार संचालक मंडल द्वारा प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, जबकि ऋण लेने का अधिकार संचालकों द्वारा यथावत क्या करना पड़ेगा, उसे एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें एक प्रस्ताव रखेगा, उस प्रस्ताव पे संचालकों की एक समिति, एक प्रबंधीय संचालक मतलब एक मैनेजमेंट का डायरेक्टर प्रबंधक जो मैनेजमेंट होगा, और कंपनी के प्रमुख अधिकारियों को प्रदत्त किया जाता है। इस प्रस्ताव में उस कुल राशि का क्या रहता है वर्णन, मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मुझे बोरिंग पावर्स यूज करना है तो कौन यूज करता है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, और वो अधिकृत ऑथराइज्ड मूल्य से अधिक नहीं ले सकते ऋण। उसके बाद उनको क्या करना है, अगर उनको इंडिया में ही बोरो करना है या इंडिया से बाहर करना है बोरो, वो दोनों सिचुएशन में कर सकते हैं। उसके लिए उनको कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 179 के 3 में सी और डी सब सेक्शन को जाके देखना है। उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि उनको क्या करना पड़ता है, एक मीटिंग अनाउंस करनी पड़ेगी, एक सभा संचालित करनी है, जिसमें उसकी समिति में कौन होगा, संचालकों की एक समिति होती है जिसमें एक प्रबंधकीय संचालक होता है और कंपनी के कुछ मेन ऑफिसर्स होते हैं। इसमें कुल राशि का वर्णन किया जाता है। अक्सर कंपनी का ऋण लेने का अधिकार अप्रबंधित अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, परंतु कंपनी के एजेंटों के रूप में संचालकों का अधिकार एक निश्चित सीमा तक सीमित होता है। उदाहरण के लिए धारा 180(1) के सी में कंपनी के संचालक मंडल को एक ऐसी राशि लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया है जो पूर्व में लिए गए ऋण को मिलाकर कंपनी की प्रदत्त अंश राशि एवं मुक्त कोष की राशि से अधिक हो जाए। जनरली जो भी क्या बोलते हैं, कंपनी के ऋण लेने का जो अधिकार है वो क्या बोल रहा है, अप्रतिबंधित होता है, लेकिन
जो एक पर्टिकुलर कुल उससे पहले अगर उसने कुछ क्या किया है, बोरो किया है, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। संचालक मंडल को क्या करने के लिए, राशि लेने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है, जो कि पूर्व में लिए गए ऋण, अगर उन्होंने पहले कोई ऋण लिया है, मिलाकर कंपनी की जो भी प्रदत्त अंश पूंजी है एवं मुक्त कोष की कुल राशि से अधिक हो जाए। और अगर उसको करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सभा बुलानी पड़ेगी और सभा में एक सहमति होगी तब मिलेगा। इससे इसमें वो अस्थायी ऋण सम्मिलित नहीं किए जाते जो व्यापार के सामान्य संचालन के लिए कंपनी के बैंकरों से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से जो परमानेंट टाइप से ले रहा है, अस्थायी रूप से जो ऋण लिए जाते हैं कंपनी को व्यापार के सामान्य संचालन को चलाने के लिए, वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते। किसमें? बोरिंग पावर्स में। अब हम देखते हैं प्रोविजन एज टू राइट ऑफ बोरिंग या टाइप ऑफ बोरिंग पावर दिखा रहा है इसमें, पहले वो देख लेते हैं कितने प्रकार का हो सकता है। देखो, दो प्रकार का हो सकता है, तीन प्रकार का हो सकता है। पहले बोल रहा है लॉन्ग टर्म फंड्स बोरो फॉर अ पीरियड रेंजिंग फॉर 5 years और मोर आर टर्म एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जब हम लंबे समय के लिए ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, शॉर्ट टर्म, जब हम शॉर्ट पीरियड के लिए अपनी फंड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ले रहे हैं, जैसे कि वो बोल रहा है कि ऑब्टेनिंग द कमर्शियल बैंक ऑन सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेंट्रीज गुड्स एंड प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड्स बुक्स डेब्ट्स, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। एक होता है मीडियम टर्म के लिए, हम तीन टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, लंबे समय के लिए कर सकते हैं, कम समय अल्प अवधि के लिए कर सकते हैं, लंबी अवधि के लिए कर सकते हैं और मीडियम टर्म के लिए कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए करेंगे तो वो 5 साल या उससे ज्यादा होगा, शॉर्ट टर्म के लिए 1 year से कम होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। वेयर द फंड आर टू बी बोरोड फॉर अ पीरियड पीरियड मैनेजिंग फ्रॉम 2 to 5 years, मतलब हमें 1 साल तक के लिए लेना है तो वो शॉर्ट टर्म में आ गया, 5 साल के लिए लेना है तो लॉन्ग टर्म में, और 2 से 5 साल के बीच के लिए लेना है तो वो मीडियम टर्म के लिए आ गया। जैसे कोई मशीनरी परचेस करनी है, कुछ लैंड परचेस करना है, कुछ व्हीकल परचेस करना है। बोरिंग पावर्स ऑफ अ कंपनी, अ कंपनी लाइक एन इंडिविजुअल मे हैव बोरो फॉर, वही बता रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया कि कंपनी के पास कौन कौन से नॉन ट्रेडिंग कंपनी है तो क्या होगा, ट्रेडिंग कंपनी है तो क्या होगा, बोरिंग ऑन सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज, उसके बारे में बता रहा है कि वेयर द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल गिवन द पावर ऑफ बोरो लोन मे बी टेकन इन वन और मोर फॉलोइंग वेज, बहुत सारे तरीके से हम ले सकते हैं। क्या बोल रहा है, पहले हम इसकी क्या देख लेते हैं, प्रोविजन देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोविजन है कंपनी के ऋण अधिकार, ऋण लेने अधिकार संबंधी प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं। क्या बोल रहा है, व्यापारिक कंपनियों को गर्वित अधिकार होता है, फिर गैर व्यापारिक कंपनियों को ऋण लेने का गर्वित अधिकार नहीं होता है, व्यापार प्रारंभ करने के पूर्व ऋण लेने का अधिकार नहीं होता, जब तक हम बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम बोरोइंग नहीं कर सकते हैं, मतलब और बोरो करने की वेग क्या होती है, लिमिट होती है, हमने पहले ही देख लिया है, जो हमारी ऑथराइज कैपिटल होती है हम उससे अधिक बोरो नहीं कर सकते। हमेशा क्या करना पड़ता है, संपत्तियों की जमानत पर ऋण, बोरोइंग ऑन गारंटी ऑफ असेट, कंपनी ऋण लेने के लिए क्या करती है, संपत्तियों को गिरवी रख सकती है, जमानत पर किन्हीं संपत्तियों को गिरवी रखा जा सकता है और नहीं भी रखा जा सकता है वो डिपेंड करता है। अधिकार से बाहर ऋण लेना, अधिकार से मतलब बोरो बियॉन्ड राइट्स, फिर क्या होता है अथॉरिटी टू बोरो, ऋण लेने के अधिकारी कौन कौन होते हैं हमने अभी देख लिया। अस्थायी ऋणों को सम्मिलित नहीं किया जाता, जैसे कि हमने क्या किया, कुछ अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए या हम अपनी जनरल रिक्वायरमेंट के लिए जो लोन लेते हैं वो उसको इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, इसमें बोरोइंग पावर में। तो बोरोइंग पावर में मुझे समझ में आया कि क्या होता है बोरोइंग पावर, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वही इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो ऑथराइज कैपिटल अधिकृत मूल्य से ज्यादा ऋण नहीं ले सकते, उनको ऋण लेने का अधिकार है, वो क्या करते हैं उसके लिए एक कमेटी बनाते हैं या एक समिति बनाते हैं, उसके बेसिस पे वो बता रहा है कि वो ऋण ले सकते हैं। प्रावधान कौन कौन से हैं, व्यापारिक कंपनियों को गर्वित अधिकार होता है, मतलब कि ऐसी कंपनियां जिसका उद्देश्य व्यापार से लाभ कमाना एवं सदस्यों में वितरित करना है, प्रत्येक कंपनी को आवश्यकता पड़ने पर ऋण लेने का गर्वित अधिकार प्राप्त होता है।
किंतु यदि कंपनी के पार्षद सीमा नियम मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर इस अधिकार पर निषेध लगा दिया गया, मतलब अगर इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा है तो फिर वो नहीं ले सकता ऋण। सेम क्या बोल रहा है, जो गैर व्यापारिक कंपनीज होती है मतलब जो नॉन ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं जैसे कि कोई उद्देश्य जिनका उद्देश्य क्या होता है धार्मिक सामाजिक मतलब सोशल वर्क के लिए बनाई जाती है, उनको क्या नहीं होता है ये बोरोइंग पावर्स नहीं होते, राइट्स नहीं होते। फिर हमने पढ़ा था कि व्यापार स्टार्ट मतलब बिजनेस स्टार्ट नो राइट टू बोरो बिफोर द कमर्समेंट ऑफ बिजनेस, जब हमने कमर्समेंट में नहीं लाए तो हम नहीं कर सकते, एक लिमिट होती है, हम सबकी सहमति से ऋण ले सकती हैं, कुछ गिरवी रखना पड़ सकता है हमको मतलब संपत्तियों को जमानत पर ऋण, बोरोइंग ऑन गारंटी ऑफ असेट अधिकार से बाहर ऋण लेना, यदि कोई सार्वजनिक कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम जो ऑथराइज कैपिटल की हम बात कर रहे थे या अंतर नियमों द्वारा निर्धारित से अधिक ऋण लेती है तो अधिकृत सीमा से जितना अधिक ऋण लिया जाएगा वह अनाधिकृत ऋण कहलाएगा तथा व्यर्थ होगा, अतएव ऐसे अनाधिकृत ऋण से संबंधित ठहराव को ऋणदाता प्रवर्तित नहीं करा सकते क्योंकि ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि बोरोइंग पावर्स में कौन से बोलना चाहिए कौन सा हम किसको बोरो कर सकते हैं, जो हमारी ऑथराइज कैपिटल है जिसको हमने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया, उससे ज्यादा हम बोरो नहीं कर सकते, अगर हम करते हैं तो वो होगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा अपना वेस्ट हो जाएगा, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अथॉरिटी टू बोरो कंपनी की ओर से ऋण लेने का अधिकार कंपनी के संचालक मंडल द्वारा किया जाता है जो हमने पहले अभी डिस्कस किया, और इसमें अस्थायी ऋणों को सम्मिलित नहीं किया जाता। हमने देखा था अभी तीन टाइप के होते हैं टाइप्स ऑफ बोरोइंग में, दीर्घकालीन ऋण अल्पकालीन ऋण और मध्यकालिक, 5 वर्ष से ज्यादा अवधि के लिए किया तो दीर्घकालीन, अल्प अवधि के लिए ली गई राशि तो अल्पकालीन, और अगर जब कोई राशि 2 से 5 वर्षों के मध्य ली जा रही तो उसे मध्यकालीन। क्लियर है इतना, क्या होता है ये टाइप्स ऑफ बोरोइंग या ऋण के प्रकार, कंपनी के क्या बोलना चाहिए कंपनी के ऋण लेने के अधिकारों का क्या अर्थ होता है, ऋण लेने के अधिकार संबंधी कंपनी के कौन कौन से प्रावधान है। क्लियर है सभी को। अब ये क्या बोल रहा है, बोरोइंग ऑन सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी वेयर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल गिव द पावर टू बोरो लोन्स मे बी टेकन इन वन और मोर फॉलोइंग वेज, कहाँ कैसे कर सकता है, मोर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपनी, फिर क्या बोल रहा है हाइपोथेकेशन ऑफ और मोर्टगेज ऑफ मूवेबल गुड्स को भी कर सकता है, चार्ज और अनकॉल्ड कैपिटल, फ्लोटिंग चार्जेस, मोर्टगेज ऑफ बुक डेब्ट, प्रोमिसरी नोट, डेवेंचर एंड डेवेंचर बुक, चार्ज ऑन पेटेंट लाइसेंस एंड कॉपीराइट एंड गुडविल, उसके बेसिस पे वो क्या कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी दे सकता है। हमने बोला ना कि किसी भी टाइप की उसको क्या देनी पड़ सकती है, सिक्योरिटी या जमानत देनी पड़ सकती है। ये क्या था हमारा बोरोइंग पावर या जिसको हम बोलते हैं ऋण लेने के अधिकार। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इसके बाद, मोर्टगेज एंड चार्जेस जिसको हिंदी में बोलते हैं बंधक तथा प्रभार। हमने देखा कैपिटल मैनेज करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ सकता है, उसी में एक पार्ट क्या था बंधक तथा प्रभार था, मोर्टगेज और चार्जेस। बंधक का अर्थ क्या होता है, जैसे इसमें दिखा रहा है मोर्टगेज का पहले वो देख लेते हैं, मीनिंग ऑफ मोर्टगेज क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, अ मोर्टगेज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस और टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेब्ट और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट विच मे बी गिव रेज टू पंक्चुअली लायबिलिटी। क्या बोल रहा है, बंधक से आशय ऋण भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में किसी अचल संपत्ति में एक निश्चित अवधि के लिए हित के हस्तांतरण से करना, कंपनी अपनी अचल संपत्ति का बंधक किसी ऋण भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में करती है।
इस अचल संपत्ति के अधिकार को जिस पत्र द्वारा दिया जाता है उसे बंधक पत्र या मोर्टगेज डीड कहते हैं। इसमें भी दिखा रहा है एक डेफिनेशन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 216 एक्ट, चार्ज मींस एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी ऑन असेट ऑफ अ कंपनी ऑफ एनी अंडरटेकिंग और बोथ सिक्योरिटी एंड इंक्लूडेड अ मोर्टगेज। क्या समझ में आ रहा है कि क्या करना है बंधक से आशय है? एक ऋण भुगतान के लिए किसी प्रतिभूति के रूप में हम क्या कर रहे हैं, किसी सिक्योरिटी के फॉर्म में किसी क्या कर रहे हैं, किसी अचल संपत्ति को एक निश्चित अवधि के लिए क्या कर रहे हैं, हित हस्तांतरण कर रहे हैं। जो पत्र हम उसे देंगे उसे क्या बोलेंगे, मॉर्टगेज डीड बोलेंगे। अब इसकी क्या 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 होती हैं बोलना चाहिए, एसेंशियल्स बोलना चाहिए या इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है किसकी, मॉर्टगेज की, वो देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, अचल संपत्ति हम पढ़ रहे हैं, टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ लोन, हम उसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं लोन की पेमेंट के लिए। ये क्या होती है हमारे, इसके असेंशियल्स होते हैं। यह है कि इसके अधीन किसी विशेष संपत्ति अचल संपत्ति के हित का हस्तांतरण होता है। यदि कंपनी के अंतर नियमों में किसी अचल संपत्ति को बंधक रखना निषेध है तो कंपनी उसे बंधक नहीं रख सकती, क्योंकि हम ये सारी इंफॉर्मेशन अपने मेन डॉक्यूमेंट में देते हैं। बंधक सृजन पंजीयन पत्र द्वारा होता है जिसे बंधक कर्ता के हस्ताक्षर होते हैं तथा यह दो गवाहों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। अब क्या बोल रहा है, काइंड क्या बोल रहा था, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मोर्टगेज इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। हम क्या करते हैं अपने सिक्योरिटी के बिहाफ में रखते हैं, तो क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। द सेकंड पॉइंट इज द प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेशली मेंशन इन द मॉर्टगेज डीड। फिर क्या बोल रहा है, टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ अ लोन, द ट्रांजेक्शन इज द फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ अ लोन ऑन द और द परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन विच मे बी गिवन रेस मंक्चरी द लाइबिलिटी। फिर क्या बोलता है, कितने टाइप के हो सकते हैं, देखो सिंपल मोर्टगेज हो सकता है, मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल हो सकता है, लीगल हो सकता है, ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं दिखा रहा है इसमें। फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ चार्जेस के बारे में बता रहा है। चार्जेस मतलब क्या होता है हिंदी में, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रभार, प्रभार का अर्थ या चार्जेस क्या होते हैं, प्रभार से आशय क्या होता है, अ चार्ज सिक्योरिटी गिवन फॉर सिक्योरिंग लोन और डिवेंचर्स बाय वे ऑफ मोर्टगेज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी, बिकॉज अ कंपनी हैज पावर टू बोरो विच ऑल्सो इंक्लूड द पावर टू गिव सिक्योरिटी ऑफ कंपनी लाइक अ नेचुरल पर्सन कैन गिव सिक्योरिटी। प्रभार से आशय किसी ऋण के भुगतान के लिए कंपनी की संपत्ति वर्तमान या भावी चल या अचल को प्रतिभूति बनाने से, जब किसी ऋण के शोधन के लिए मतलब ऋण के भुगतान के लिए कंपनी संपत्ति को उक्त ऋण की प्रतिभूति जिसको पर्टिकुलर क्या बनाया जाता है, सिक्योरिटी बनाया जाता है, तो कहा जाता है कि ऋणदाता का कंपनी की संपत्ति पर प्रभार है, अतः इसी को क्या कहते हैं हम, प्रभार कहते हैं। प्रभार का और कैसे पढ़ सकते हैं, प्रभार की दशा में ऋणदाता का प्रभार संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता। जो हम क्या करते हैं, जो हमने क्या रखा है, मोर्टगेज रखा है, जो हमारे ऊपर चार्जेस हैं, वो हम हमारी उस पर अभी कोई राइट नहीं रहता, वह तो केवल उस संपत्ति की सहायता से क्या कर रहा है, उस जो भी पर्टिकुलर मेरे पास जो भी जिस भी सिक्योरिटी को मैंने क्या किया है, मोर्टगेज किया है, जिसके ऊपर मुझे चार्जेस लग रहे हैं, हम सिर्फ उसकी हेल्प से क्या कर पा रहे हैं, बोरो कर पा रहे हैं, भुगतान प्राप्त करने के लिए एक अधिकार मात्र रहता है। इस प्रकार प्रबंधार में प्रबंधक की भांति संपत्ति के हित का हस्तांतरण होता है, बल्कि इसका सृजन पक्षकारों के कानून के ऑपरेशन ऑफ लॉ द्वारा होता है। कम प्रबंधर और भार में अंतर क्या होता है वो देख लेते हैं, या टाइप ऑफ चार्जेस देख लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एक होगा फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड चार्जेस मतलब स्थायी या स्थिर प्रभार क्या होता है, स्थायी प्रभार से आशय ऐसे प्रभार से है जो कि कंपनी की स्थायी एवं विशिष्ट संपत्ति पे होता है, जिसपे हमें प्रभार लग रहा होता है वो कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। जैसे कोई लैंड हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई हमारी, वो वाली उसकी बात कर रहा है, जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जिसका नेचर कैसा है, परमानेंट है, लैंड है और हैवी मशीनरी की बात कर रहा है। अब चल प्रभार मतलब फ्लोटिंग चार्जेस के बारे में क्या बात कर रहा है, चल प्रभार कंपनी की स्थायी तथा विशिष्ट संपत्तियों पर नहीं होता, बल्कि ऐसी संपत्ति पर होता है जिसका
स्वरूप तथा मूल स्थाई रूप में परिवर्तित होता रहता है, मतलब जो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्या बोल रहा है, फ्लोटिंग चार्जेस वन विच इज नॉट अटैच टू अ डेफिनाइट प्रॉपर्टी बट कवर्स प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लक्चुएटिंग टाइप स्टॉक एंड ट्रेड, इन अदर वर्ड इट इज अ इक्विटेबल चार्जेस ऑन अ सेट फॉर द टाइम बीइंग ऑफ गोइंग कंसर्न। क्या बोल रहा है कि इन अ फ्लोटिंग चार्जेस द प्रॉपर्टी कैन बी डेल्ट विद बाय द कंपनी विदाउट कंसल्टिंग द होल्डर ऑफ चार्जेस, द कंपनी इज लेफ्ट फ्री टू डील विद द प्रॉपर्टी सो चार्ज इफ नो चार्ज हैज बीन क्रिएटेड। तो क्या बोल रहा है, एक चल भार हो गया और एक चल प्रभार हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, स्थिर प्रभार हो गया। अब हमको क्या बताना है, चल प्रभार की विशेषताएं बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस। क्या बोल रहा है, इट इज अ चार्ज ऑन क्लास और ऑफ असेट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। चल प्रभार संस्था की सभी संपत्तियों पर अथवा संपत्तियों के वर्ग पर हो सकता है। चल प्रभार वर्तमान अथवा भावी संपत्तियों पर भी हो सकता है। निरंतर परिवर्तित होने वाली संपत्तियों जैसे स्टॉक पर भी प्रभार उत्पन्न किया जा सकता है। चल प्रभार में प्रभावित संपत्तियों का उपयोग व्यवसाय के संचालन में भी किया जा सकता है, क्योंकि वो कैसा है, चल प्रभार है, क्योंकि वो कैसा है, फ्लोटिंग चार्जेस है, फिक्स नहीं है कि इसके ऊपर लगा दिया तो अब उसको यूज नहीं कर सकते, उसको हम कर सकते हैं। चल प्रभार को स्थायी प्रभार में परिवर्तित भी किया जा सकता है। ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्ट ऑन बाइंडिंग अप फ्लोटिंग चार्जेस। चल प्रभार को स्थायी प्रभार में क्या किया जा सकता है, हमने देखा परिवर्तित किया जा सकता है, इसका पंजीयन कराना होता है हमें, किसका, प्रभार का। फिर क्या बोल रहा है कि इफेक्ट ऑफ बाइंडिंग अप ऑन फ्लोटिंग चार्जेस, जब हम इसको क्या करते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम इसको वाइंड अप करते हैं, फ्लोटिंग चार्जेस ऑन अंडरटेकिंग A property of a company created within 12 months immediately preceding the commencement of the winding up to void unless. फिर बता रहा है कि क्या क्या priorities होती हैं of charges, registration of charges, ये हमको पढ़ना है कि इसका registration कैसे किया जाता है। प्रभारों का पंजीयन करने के लिए क्या करना पड़ता है, चार्ज फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एनी इशू ऑफ डेवेंचर, ऋण पत्रों के किसी भी निर्गमन को सुरक्षित करने वाला प्रभार। हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रभारों के पंजीयन से डिस्कस करेंगे, अभी टाइम हो गया है, ठीक है ना। अभी इतना सभी को समझ में आया,